ये भी है मोदी जी, ये भी सुन लीजिए, और हमें क्या मिलता है? आराम से जी रहा है मोदी जी, ढाई ढाई लाख के कपड़े पहनता है, ढाई ढाई लाख की जैकेट होती है, लेकिन हमें जब अपना सूट और अपने बच्चों के कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि 150 का ले, 200 का ले या 100 का ले। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, हमारी तरफ उसका नजर ही नहीं, सरकार हमारी तरफ देखे। हम सरकार ने तो फ्री नहीं दिया, ठीक है, और काम किया 100 और 200, आशा की तरफ तो सरकार की नजर ही नहीं है। नमस्कार, मैं नूर जौहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से महिलाएं आई हुई हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे जनसंख्या देख पा रहे होंगे कि बहुत अलग अलग राज्यों से महिलाएं आई हैं, और यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे होंगे कि आशा संघर्ष रैली। यह आशा संघर्ष, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या है आशा संघर्ष, क्या किस मांगों के साथ आई है और इनकी मांगे क्या है, और महिलाएं मतलब क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, कब से इनका क्या चल रहा है, इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग राज्यों से आई हैं ये महिलाएं, किस लिए आई हैं, क्या मांगे हैं इनकी, उसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। मैम, किस लिए आई हैं यहाँ पे आप? अपनी सैलरी के लिए आए हैं जी। किस चीज की सैलरी? हम आशा वर्कर हैं। अच्छा। हमें ये है कि हमें अपनी भैया 2018 से 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। हम इसलिए आए हैं कि ये सरकार है हमारी बातें नहीं मान रही है, हम इतना काम ले रही है हमसे, तो हमारे बारे में भी कुछ सोचो। क्या क्या काम करते हैं आप? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, हम जच्चा बच्चा की देखभाल करते हैं, बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, गर्भवती महिलाओं को समझाते हैं, गर्भ प्रसव उनका हॉस्पिटल में करवाते हैं। कितने घंटे काम करती हैं आप? 24 घंटे काम करते हैं हम। और 24 घंटे काम करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? 4000 रुपए। 4000 महीना? महीना 4000 महीना मिलती है आपको? गुजारा हो जाता है? नहीं होता, तभी तो यहाँ बैठे हैं कि 4000 में गुजारा होता है क्या। तो अब कितनी चाहिए सैलरी आप? 26000। 26000 महीना? हाँ जी। हम कचर से आए है, असम की, हमारे मांगों को लेके आए है हम लोग। जो हमारे मांगे हैं वो पूरी करने पड़ेगा। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं 21000 करके हमको फिक्स सैलरी करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस 2 लाख के बजाय 4 लाख करना पड़ेगा। हमारी है सिक्योरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि हम दिन रात को काम पे चले जाते हैं। हमारी कोई कितने घंटे काम करते हैं? 26 घंटे। 26 घंटे हम काम करते हैं। हमारी लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं, छुट्टी नहीं है, सबके लिए हम आए हैं यहाँ पे। हॉट टाइम हम लोग का जो मांगा कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग को हॉट टाइम। हम लोग अभी कितनी सैलरी है आप लोगों की? अभी 14 साल हो गया। नहीं नहीं सुनिए, हमारे फिक्स 2000 है, और हमारी कोई फिक्स 2000 में महीने में सही महीने में ठीक से नहीं मिलता। इतने साल से काम कर रहे हो और अभी तक सिर्फ 2000? हाँ, 2000 ही है, और इंसेंटिव तो छोड़ो, ये वो भी ठीक से नहीं मिलता हमको। 2-3 महीने के बाद जब आंदोलन करते हैं तभी हमको मिलते हैं। फिर कोई हमारे पहले भी आपने प्रदर्शन कराया कहीं? हाँ, हम दिल्ली में नहीं किए, हमारे काचर सिलचर में किया था। हाँ, तभी ये करने से 2 लाख इंश्योरेंस का मिला, अभी तक मिला नहीं है, सिर्फ बोला देने के लिए। तो इससे तो हमारी नहीं चलेगा ना, 21000 फिक्स्ड सैलरी करने पड़ेगा, कोई हमारी छुट्टी नहीं है, कोई काम का 24 आवर्स हमको काम करना पड़ता है। रात 12 बजे 2 बजे हमको ड्यूटी में जाना पड़ना आता है, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं। जब रात को हम जाते हैं, हम लोगों का सिक्योरिटी क्या है? कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या करें? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा पे सरकार इतना ध्यान दे रही है, वही तो सोच रहा हूँ। मोदी सरकार महिला के लिए इतना कर रहे है, हमारी छुट्टी का भी करना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ना, काम का भी एक फिस्ट करना पड़ना है। 10 छुट्टी भी नहीं मिलती? छुट्टी भी नहीं मिलती, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती, 24 के 24 घंटा काम करना पड़ता है। मैं हरियाणा से हूँ, आशा वर्कर फ्रॉम मुडलाना गांव से, तो 24 घंटे काम करना पड़ता है। पड़ोस का कोई भी हमारे एरिया का जो कोई मेंबर है, रात को दरवाजा खटखटा देता है भी जिसके यहाँ डिलीवरी होना, और हम उसको सारी सुविधाएं प्रावधान करवाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुलवाते हैं, साथ में जाना भी पड़ता है। हैं, और जो मोदी सरकार है, हम कितनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। अरे भाई, हमें हमारा मेहनताना तो दीजिए, हैं, कम से कम ठेकेदारी का भी 8100 है। हाँ।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक ये नारा लगा रखा, हम भी इस देश की बेटियां बहु बेटियां हैं, बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, और हमारे में तो इतनी पढ़ी पढ़ी लिखी भी है, बीए बीएड एमएड ये भी है, मोदी जी ये भी सुन लीजिए, और हमें क्या मिलता है, अब आपने 2100 और बढ़ाए हैं, हरियाणा में 4000 मिलते थे, 2100 और प्लस करें यानी 6100 है, काम हमारा कितना होता है, कम से कम इतना ध्यान डालिए। और हम यही आशा करते हैं सरकार से, हमारी मेहनत देख के हमारी सैलरी बढ़ाइए, हम तो यही करते हैं, हम आपके विरोध नहीं हैं, आपके पक्ष में ही हैं, अच्छी सरकार दोबारा से फिर लाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम इन्हीं की सरकार लाना चाहते हैं वापस, और आपको ये इतनी सैलरी दे रहे हैं, नहीं अच्छी सरकार बोल रहे हैं मैडम, अच्छी सरकार जो जनता के हित में, मैं ये नहीं कह रही जो मोदी सरकार है वो अच्छी सरकार नहीं है, देखो अच्छी है, अच्छे कार्य भी करती है, मैं ये नहीं कहती कि अच्छी नहीं है, अच्छे अच्छे काम करती है, लेकिन जहाँ कुछ बंदे दुखी हैं, कुछ संस्थाएं दुखी हैं, जब हम हेल्थ में हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, हर हमसे जो हमारे ऊपर बैठे हमारे सीनियर वो क्या काम करते हैं 8 घंटे, और हम क्या काम करते, कम से कम हमारा बेरो तो लीजिए, वो हमारे जो रिकवरी है ना उनके रजिस्टर हमारे काम से पूरे होते हैं मैडम, सारा कुछ हमारे, जब हम पूरी डिटेल हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तब वो अपने कवर करती हैं रजिस्टर, इतनी सैलरी मिलती है, खर्चा चल जाता है इसमें, आप खर्चा कहाँ चलता है बहन, कोई बैकवर्ड अच्छा नहीं, हमारी कोई जमीन नहीं इतनी, जितना हमारा हम अपने बच्चों की फीस भी देते हैं, घर का चूल्हा भी चलता है, हम जानते हैं हम अपने नमक से खाते हैं या सब्जी के साथ खाते हैं, लेकिन अब तो आप महंगाई पे देखिए, महंगाई इतनी कम करिए, टमाटर के दाम देखिए, प्याज के दाम देखिए, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ भी अगर हम बाजार में अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसको 10 बार ये सोच के निकलते हैं कि सैलरी हमारी इतनी है, बजट हमारे पास इतना है, और हम खरीदे कि नहीं खरीदे, अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं को दबा कर जी रहे हैं हम। हाँ हरियाणा में 1500 मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं, सभी तो एक है ना, जो ये मोदी जी देता है 2000 और असम में देता है, स्टेट में देता है 1000, ये भी पूरा नहीं मिलता हम लोग को, 500 600 400 इतना मिलता है, तो ये तो ठीक नहीं हुआ, हरियाणा आपको इतना कम मिलता है, वही सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं, और हम लोग क्या कुछ नहीं, सरकार को हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, हमारी तरफ उसका नजर ही नहीं, लेकिन हम सुन रहे हैं ऐसा स्कीम आया है स्टूडेंट वाला के लिए और बैंक में पैसा घुस रहा है ऐसा घुस, लेकिन हम काम करके हमारी एक भी पैसा नहीं है, तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ एक बार नजर डाले, 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, काम के टाइम एक दे, 10 बजे से 6 बजे या 8 बजे से 7 बजे ऐसा टाइम दे, छुट्टी का बंदोबस्त करे, सरकार हमारी तरफ देखे, हम कैसे चलाए 2000 और 3000, हाँ वेतन से कैसे चलाए, गैस चूल्हा दे दिया है और क्या चाहिए आप लोग, किसको गैस चूल्हा दे दिया, हमको तो आशा लोगों को तो आशा के ऊपर तो उसके नजर ही नहीं, कुछ कुछ ही नहीं मिला, सुनिए मैंने आयुष्मान क्या आयुष्मान योजना चलाई, आयुष्मान नहीं वो जो अरुणोदय, हाँ घर घर में है, हमने सर्वे करते हैं, जिस घर में अरुणोदय देना नहीं चाहिए उस घर में अरुणोदय है, जो खाना नहीं मिल रहा है उसके घर में अरुणोदय नहीं है, हम ऐसा लोगों को अरुणोदय भी देना चाहिए, 21,000 फिक्स सैलरी देना चाहिए, छुट्टी का बंदोबस्त करना चाहिए, और हमारी सिक्योरिटी का व्यवस्था करना चाहिए, छुट्टी मांगते हैं आप, छुट्टी की अपील करते हैं फिर भी नहीं मिलती है छुट्टी, छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों को, रात 2 बजे बोलते पेशेंट बंद करेगा उसके साथ हमको जाना पड़ता है, नहीं तो बोलेगा तुम बहुत सारे आज नौकरी छोड़ दो, क्यों हम नौकरी छोड़ दे, हाँ हमारे बच्चे लोग नहीं है, और दो सरकार से ही मुझे मालूम करना है उसका फैमिली क्या 2000 और 3000 से चल जाएगा, उसका चल जाएगा तो हम लोग चला लेंगे, हाँ हाँ सब्जियों का दाम कितना बढ़ रहा है, गैस पहले कैसा था 200, 250, 450, अभी 1200 रुपए, हम कैसे खाए, लेकिन अब तो कम हो गया है ना, अब सिलेंडर ऑर्डर करिए अगले दिन ही आ जाता है ना, सिलेंडर आने से पैसा तो रेडी रखना पड़ता है ना, हाँ सरकार ने तो फ्री नहीं दिया, ठीक है, और टमाटो हाँ सब्जी वगैरह हम कैसे लाए, हाँ हाँ बहुत
बिना पैसे कुछ नहीं आता। अभी सिलेंडर आएगा तो पैसा सबके पास नहीं होता ना, तो हाँ हाँ तो कैसे चलेगा, पैसा तो चाहिए ना। कितना काम किया, 100 और 200, फिर तो 1000 रुपए देना पड़ रहा है ना। तो सरकार से महिलाओं को आरक्षण दे रही है, 33% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को। नहीं तो मुझे तो समझ में नहीं आया, हम लोगों को तो आप लोगों को नहीं मिला, नहीं हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। आशा की तरफ तो सरकार की नजर ही नहीं है, आशा की तो कुछ नहीं। हाँ काम बड़ा, अभी आज काम ये हुआ तो कल दूसरे, परसों दूसरी, लेकिन पैसे का कोई। तो आज यहाँ पे आप लोग आए हैं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार आप लोगों की? सुनेगी, उम्मीद है कि सुनेगी, सुनेगी। देखो उम्मीद है पूरी पूरी कि सुने, वो भी इंसान है, उसके मैं मानती हूँ कि देखो सरकार अच्छे उसमें जी रही है। ये सरकार तो अपना खुला पैसा बरतती है, आराम से जी रहा है। मोदी जी 2.5-2.5 लाख के कपड़े पहनता है, 2.5-2.5 लाख की जैकेट होती है, लेकिन हमें जब अपना सूट अपने बच्चों के कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि 150 का ले, 200 का ले या 100 का ले। ठीक है, हमारे और कच्चे खर्चे हैं, रिश्तेदार भी हमारे, आशा वर्कर एक काम करती है लेकिन उसके बैक में देखो उसका परिवार भी है, उसके बड़े बुजुर्ग भी है। हम वो लेकिन सरकार तो कह रही है ना आत्मनिर्भर बनिए, चाय बनाइए, पकौड़े तलिए। नहीं आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन हमें तो स्वास्थ्य का काम सौंपा गया है, हम स्वास्थ्य विभाग का काम दिल पूरी दिल और जान से करते हैं, बिल्कुल सेवा करते हैं अपने समाज की। भाई हमारे कारण कोई सुविधा भाई ऐसी कोई सुविधा रह ना जाए, हमारे जो कैंडिडेट उन तक पहुंचने ना पाए, पूरी पूरी दिन रात सेवा करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जो जंतर मंतर पे आई हुई थी महिलाएं और धरना प्रदर्शन कर रही है। आशा वर्कर है जो कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करती है, 24 घंटे काम करती है, छुट्टी तक नहीं मिलती है इनको और वेतन इतना कम दिया जाता है, तो उसी के लिए आई है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, छुट्टी दी जाए और सिक्योरिटी भी दी जाए इनके साथ साथ इसको। तो हमने इनसे बातचीत करी जाना, तो आप इनकी बात से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए जनता आवाज़।